झुंझुनू के चिड़ावा थाने में विधायक कोटे से बने स्वागत कक्ष का लोकार्पण विधायक जेपी चंदेलिया तथा एसपी मनीष त्रिपाठी ने किया। इस मौके पर चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान इंदिरा डूडी समेत अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। सभी अतिथियों का सीआई भगवान साहेब मीणा ने स्वागत किया। इस मौके पर विधायक जेपी चंदेलिया ने कहा कि उनकी विधानसभा के तीनों थानों चिड़ावा, पिलानी और मंडरेला में स्वागत कक्ष बनाए गए हैं ताकि यहां आने वाले परिवादी एक अच्छे माहौल में अपनी पीड़ा बयां कर सके और उनका समाधान हो। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सुविधाओं का विस्तार अनवरत जारी है। चिड़ावा सीएससी को भी अब पूरा उपजिला अस्पताल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिसके लिए वे भी अपने विधायक कोटे से करीब 2 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। वहीं राज्य सरकार से भी करोड़ों का बजट लाया जाएगा। इस मौके पर चिड़ावा डीएसपी सुरेश शर्मा समेत अन्य मौजूद थे। इसका जो हमारा दिन है बहुत सौभाग्यशाली इस तरह रहा कि जो स्वागत कक्ष थानों में बने मंडेला, चिड़ावा और पिलानी, उनमें से आज 2 का हमने एसपी साहब ने, हमने और हमारे साथियों ने, जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने आज लोकार्पण किया। स्वागत कक्ष इसलिए बनाया कि थानों में लोग जाते हैं और उनको सम्मानजनक तरीके से बैठने का स्थान मिल जाए, और कई कामों से जाते हैं, कोई अपराधी ही थानों में नहीं जाते, अन्य लोग भी जाते हैं, तो उस हिसाब से आज किया। और अन्य जो बातें जो जनता के साथ करनी थी हमको, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, अन्य समस्याओं के बारे में कार्यक्रम, वो बात भी हुई। अन्य प्रस्ताव जो हमारे पुलिस के कप्तान के द्वारा दिए गए, एसपी साहब के द्वारा दिए गए, उसके ऊपर भी आज जानने का मौका मिला। जो कुछ सहयोग जनता की तरफ से पुलिस को मिलना है वो सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो 24 आवर सर्विस वाली सीएससी बन गई है, आपको ध्यान होगा अभी उसको मैंने 50 से 75 बेड वाली बनाई थी और फिर वापस अपग्रेड करवा दी है, तो उसमें हमने मेरी तरफ से 2 करोड़ रुपए फेजेज में दिए जाएंगे और कुछ गवर्नमेंट से पाएगा। बहुत अच्छी सीएससी डेवलप हो जाएगी। मेरे को इस बात का गर्व है कि मैं इसका माध्यम बना मेरे गाँव को स्वास्थ्य की सेवा प्रदान करने में। ये बातें आती रहती है, जब इसका लोकार्पण करेंगे कॉलेज का, तो जो भी लोकार्पित करने के लिए हम सबसे बड़े जनप्रतिनिधि को और दूसरे लोगों को बुलाएंगे, ये बात मैं भी मेरे गांव की तरफ से उनके सामने रखूंगा। रिजल्ट आएगा, देखेंगे। इस संस्था को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरा पूरा प्रयास है और ईश्वर हमें ताकत दे, जनता हमें ताकत दे, अच्छी संस्था बनेगी। राजस्थान सरकार की मंशा के अनुरूप इस समय जो पिलानी विधानसभा क्षेत्र है उसमें पिलानी, अब चिड़ावा और आने वाले दिनों में मंडरेला का भी माननीय विधायक महोदय की ओर से लोकार्पण किया जाएगा। और राजस्थान सरकार की मंशा के अनुरूप हम जो पुलिस मुख्यालय के जो भी मापदंड है उनके रूप इनका निर्माण करवाया है, जिसकी फंडिंग एमएलए साहिबान के कोटे से की गई है। पूरे जिले में इस प्रकार के सभी थानों में विधायक कोटे से इन भवनों का निर्माण किया जा रहा है और जल्द ही उन सबका लोकार्पण भी किया जाएगा। राज्य सरकार की मंशा ये है कि जो भी व्यक्ति परिसर में आता है उसके साथ में उसके बैठने का स्थान सुनिश्चित हो, उनके साथ में प्रथम जो फर्स्ट डीलिंग है वो बहुत सही तरीके से हो और लोगों के पुलिस के बारे में जो परसेप्शन है उसमें सुधार हो और हमारी ओर से उनको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट किया जाए और जो भी नियम में हो और जो भी कानून के दायरे में कार्य करना हो उसके लिए इन स्वागत कक्षों की बहुत अहम भूमिका रहेगी।